मेहमान निगरामी और मेरे अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज मेरा मौजू है सुखन लफ्जों के बंधन में कुछ यूं है कि है ये वो फरमाने खुदा जिसकी है आलम में धमक, ये वो आयत है जिसे पढ़ते हैं सब खुदो मलक वाफाना नकसर वाफाना सुनाई। वैसे तो पूरा कुरान ही मेरे नबी की सीरत और नात बयान करता है और उसके अंदर एक भूल जो है वाफाना का जिक्र इस आयत मुबारका में उस जात का जिक्र है जो पिछले तबके कायनात है। जी हाँ, ये जिक्र है उनका जिन्हें इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्योंकि कायनात में सिर्फ एक वही जात है जिसका जिक्र खुदा ताला ने फना का बका असल का अबद जहां तक के हर आलम में बुलंद किया। और क्यों नहीं, मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, मेरे नबी का जिक्र तो हक में मौजूद है, मेरे नबी का जिक्र सुबूर में मौजूद है, मेरे नबी का जिक्र इंजील में मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, मैं तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दूंगा कि जहां कहीं मेरा जिक्र होगा वहीं साथ तेरा जिक्र होगा, आसमानों में मेरा जिक्र होगा तो आसमानों में साथ तेरा भी जिक्र होगा, नमाज में मेरा जिक्र होगा तो नमाज में साथ तेरा भी जिक्र होगा, अजान में मेरा जिक्र होगा तो अजान तेरी सुल्फों का है।